सो हेलो फ्रेंड्स, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने इस खबर की जानकारी दी थी। इससे पहले उन्हें शनिवार को तबीयत बिगड़ने के कारण कैंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया था। दोस्तों, कोरोना और निमोनिया के पॉजिटिव होने के बाद लता मंगेशकर को बीते 8 जनवरी को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स उनकी 24 घंटे देखरेख कर रहे थे। इसके साथ ही दुआओं का सिलसिला भी जारी था। भारत की कोकिला के रूप में जानी जाने वाली लता मंगेशकर को टॉप नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, लता जी ने 30,000 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में गाना गाए। 1942 में 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को करीब 12:30 बजे उनके घर ले जाया गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। फ्रेंड्स, लता जी ने हजारों गाना गाए लेकिन उनका गाया हुआ पहला गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। इस गाने का नाम था नाचू या कादे खेलू साड़ी मानी हौस बारी। इस गाने का सदा शिवराम निवरेकर ने मराठी फिल्म कट्टी हासिल के लिए 1942 में कंपोज किया था। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लता जी आज हमारे बीच नहीं है तो दुखी मत होना, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए हम सब भारतीयों के दिल में लता जी हमेशा जिंदा रहेंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना।